हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू और आप देख रहे हैं चैनल वी आस्क अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी इन सोयाबीन के दानों से पनीर बनाना। तो इसको पनीर भी बोला जाता है, टोफू भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये हम ले रहे हैं सोयाबीन के दाने। ये वही सोयाबीन के दाने होते हैं जिनका ऑयल निकाला जाता है। तो हम यहाँ 200 ग्राम सोयाबीन के दाने तौल लेते हैं। तो आप 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, जितना आप पनीर बनाना चाहें उतना आप ले सकते हैं। तो इनको तौलने के बाद अब हमें इनको पानी में भिगोना है, और पानी में 6 से 12 घंटे के लिए आप इनको फूलने के लिए छोड़ दें। तो 12 घंटे के बाद सोयाबीन के दाने फूलने के बाद इस तरह से दिखने लगेंगे। तो इनका जो पानी है वो हम इसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद 1-2 बार हम साफ पानी से इसको धो लेते हैं। अब धोने के बाद हम इसमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप इनको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्राइंडर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ग्राइंड करते समय आप इसमें ताज़ा पानी और मिक्स कर लें। अब ग्राइंड करने के बाद इस मिक्सचर को हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसकी जो खली है वो अलग हो जाएगी और दूध इसका अलग निकल जाएगा। तो अब निकालने के बाद अब हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको उबालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बार बार आप चेक करते रहें, क्योंकि ये बर्तन की तली पे ये लग जाता है। और जैसे ही इसमें अच्छे से 2-4 उबाल आ जाएं तो हमें अपनी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब अच्छी तरह से उबालने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसका टेम्परेचर उतना होना चाहिए, ना तो ये ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। अब ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें आप फाड़ने के लिए या तो नींबू भी यूज कर सकते हैं, साइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, या आप टाटरी भी यूज कर सकते हैं। जो चाहें आप इसको फाड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे दूध को फाड़ा जाता है वैसे ही आप इसको फाड़ सकते हैं। तो हम इसमें नींबू का रस या एसिड डाल के फाड़ देते हैं। तो अब हम इसमें नींबू का रस डाल के थोड़ी देर इसको चलाएंगे। देखो ये फटना शुरू हो गया है, और थोड़ा सा जैसे ही आप चलाएंगे तो ये अच्छा फट जाएगा, आपको दिखने लगेगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम इसको एक कपड़े में छान लेते हैं, और छानने के बाद उसी कपड़े में हम एक दबा के इसको रख देते हैं। और रखने के बाद, दबाने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो हमारा पनीर इसमें बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 200 ग्राम सोयाबीन के दाने लिए हैं, तो ये हमारा 200 ग्राम ही पनीर बनके तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। आप चाहे 1 किलो अगर सोयाबीन का दानों का अगर आप पनीर बनाएंगे तो 1 किलो ही आपका पनीर बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ऐसी और वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मेक इन इंडिया।